अपने YouTube चैनल राग साड़ी क्लास में आपका स्वागत है। MP बोर्ड 2023 आ चुका है। ओके, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने क्या है नंबर से संतुष्ट नहीं है। ओके, इसलिए वो क्या है रीटोटलिंग का आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर क्या है आप देखना चाहते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका की, आपको क्या है जहां नंबर मिलने चाहिए थे मिले या नहीं, तो आप क्या है उत्तर पुस्तिका भी मंगवा सकते हैं। तो क्या कैसी प्रोसेस रहने वाली है रीटोटलिंग के संबंध, जितने भी आपके और क्या उत्तर पुस्तिका से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन है डाउट है सभी क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है डाउट रहता है कि रीटोटलिंग का आवेदन करें या नहीं। ओके, ये सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था, तो आज की इस वीडियो में बता दूंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा अपनी उत्तर पुस्तिका को कैसे आपको देखना है, ओके, जो आपने बोर्ड परीक्षा में लिखी है। साथ ही रीटोटलिंग क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा, रीटोटलिंग का आवेदन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीटोटलिंग की जो आपकी फीस होती है कितनी लगती है, रीटोटलिंग का आवेदन करना चाहिए या नहीं। ओके, साथ ही रीटोटलिंग का रिजल्ट कब आता है। ओके, अपनी उत्तर पुस्तिका कैसे देखें, कैसे मंगवाएं। ओके, तो सभी मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्रम से देख लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है रीटोटलिंग का आवेदन करें या नहीं। तो देखिए आपको क्या है, आपका अगर सप्लीमेंट्री आ गई है, आपके किसी भी समय फेल हो गए हैं, तो रीटोटलिंग को सबसे पहले आपको करना ही है। आपको क्या है सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरेंगे, रुक जाना नहीं का आपको योजना का फायदा लेंगे, इनका तो आपको फायदा लेना ही है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या है रीटोटलिंग का आवेदन कर देना है। अगर मान लीजिए आपके क्या है 28-29 नंबर है या एक आध दो नंबर से आप क्या है चूक गए हैं पास होने से, तो आप क्या है रीटोटलिंग का आवेदन कर देंगे। और क्या है दो तीन नंबर आपके बढ़ जाते हैं तो आपको ये फायदा रहेगा कि और आप पास हो जाते हैं, तो आपको क्या है आपको जो सप्लीमेंट्री का पेपर देना था वो ना देना पड़ेगा, या आपको क्या है रुक जाना का। ओके, जिस विषय में आप हुए हैं रीटोटलिंग आपको जरूर देना है। वही भी स्टूडेंट दे सकते हैं जिनकी अच्छी परसेंट बनी है, लेकिन मान ली किसी के आए 85 नंबर आए हैं किसी विषय में, मान ली हिंदी में, लेकिन उसे लगता है कि मैं 95 नंबर ला सकता था, वो भी रीटोटलिंग का आवेदन भर सकता है। ओके, तो रीटोटलिंग आप जरूर आपको भरना चाहिए। रीटोटलिंग क्या होती है, तो रीटोटलिंग क्या होती है जो भी आपकी उत्तर पुस्तिका होती है, जैसे आपको दो नंबर मिले, तीन नंबर मिले, चार नंबर, इस प्रकार से आपको टोटल आपके नंबर आ जाते हैं 98, 99, 95 जितने भी आपके नंबर आ जाते हैं, तो रीटोटलिंग का आवेदन करेंगे तो आपको क्या है दोबारा क्या है आपके जितने भी नंबर होंगे सभी एक बार जोड़ लिए जाएंगे। रीचेकिंग नहीं होती है एमपी बोर्ड में, केवल क्या है रीटोटलिंग होती है। ओके, नंबर केवल जोड़ लिए जाएंगे, ये होता है आपका आपका टोटलिंग। ओके, रीटोटलिंग में कितनी फीस लगती है ये भी क्वेश्चन अधिकतम स्टूडेंट का, तो मैं अब बताऊं अपने जो ऑफिशियल नोटिस आया है रीटोटलिंग से संबंधित 2024 का, उसमें दोस्तों आपकी रीटोटलिंग की फीस क्या है 200 रुपये प्रति सब्जेक्ट, और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति मंगाने के लिए 250 रुपये प्रति सब्जेक्ट आपकी फीस लगने वाली है। तो दोस्तों आप क्या है 50 रुपये एक्स्ट्रा मान के चलिए, और क्योंकि क्या है आपको पोर्टल चार्ज और क्या है जो फॉर्म भरेगा वो भी फीस ले लेता है। रीटोटलिंग के आवेदन कब से स्टार्ट है, तो रीटोटलिंग के आवेदन आज ही से अभी से स्टार्ट है, जब से आप वीडियो देख रहे हैं तभी से स्टार्ट है। ओके, तो रीटोटलिंग आप आवेदन कर सकते हैं, कैसे करना है वीडियो में आगे बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपनी उत्तर पुस्तिका कैसे मंगवाएं। ओके, तो उसके लिए आपको केवल 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 आवेदन कर देना है, फीस सबमिट कर देना है। ओके, तो आपके घर में क्या है पार्सल के माध्यम से आपके क्या है कॉपी आ जाएगी, मेन कॉपी नहीं आएगी, उसकी फोटो कॉपी आ जाएगी। ओके, तो उसमें आप चूरा चेक कर सकते हैं कि मुझे नंबर मिला कि नहीं मिला। ओके, अगर नहीं मिले तो आप उसके ऊपर भी आके केस वगैरह आप आगे कर सकते हैं। ओके, तो पहले तो आपको देख लेना है कि नंबर आपके बढ़ रहे हैं घट रहे हैं क्या प्रकार का। ओके, और किस प्रकार से आपको करना है मैं आपके आगे बताने वाला हूँ। ओके, अब रीटोटलिंग और उत्तर पुस्तिका के आवेदन कैसे करें, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको रीटोटलिंग और उत्तर पुस्तिका मंगाने के लिए आवेदन करना है। रीटोटलिंग और उत्तर पुस्तिका मंगवाने के लिए आवेदन करना है किस प्रकार से करना है जान लीजिए। तो आपको क्या है सबसे पहले गूगल पर जाना है, गूगल पर दोस्तों आपको सर्च कर लेना, क्या सर्च करना है एमपी ऑनलाइन MPBSE रीटोटलिंग, जो कुछ आपको स्क्रीन पर देख रहा है यही आपको सर्च कर लेना है। ओके, सर्च करेंगे सबसे पहले आपको ये वेबसाइट मिलेगी, इसे आपको क्या है ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे इस प्रकार का दोस्तों क्या है आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको रीटोटलिंग का आवेदन करना है, तो किस प्रकार से करना है। ओके, अगर आप मान लीजिए आप रीटोटलिंग नहीं कराना चाहते हैं, केवल केवल उत्तर पुस्तिका देखना चाहते हैं मंगाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको रीटोटलिंग का आवेदन करना पड़ेगा, तभी आप क्या है उत्तर पुस्तिका मंगवा सकते हैं। कैसे आवेदन करना है आपको क्या है एप्लीकेशन टाइप, तो रीटोटलिंग सबसे पहले चुनना है तो रीटोटलिंग कर लेना है। एप्लीकेशन रोल नंबर जो कुछ हो आपको डाल देना है। ओके, एग्जाम टाइप आपको मेन सेलेक्ट करना है, पास इच्छा कोड डाल देना है, सर्च करना है। तो आपको क्या है जिस जिस सब्जेक्ट की रीटोटलिंग आपको करनी है उसको सेलेक्ट करके फीस सबमिट कर देना है, तो आपके आवेदन हो जाएगा। इसी प्रकार आपको क्या है उत्तर पुस्तिका मंगाने के लिए आंसर बुक में सेलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है। ओके, जो जो आपको जो भरना है वो सब देना है, सर्च करिएगा तो किन किन
आपको विषय की उत्तर पुस्तिका मंगानी है, सिलेक्ट करना है, फीस सबमिट कर देना है, तो आपकी क्या है आपकी उत्तर पुस्तिका आपके पास आ जाएगी। ओके दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको ये स्वयं नहीं करना है। अगर आपके आस पास क्या है जो क्या है एमपी ऑनलाइन की दुकान होती है, ओके, जहाँ ये आपका कंप्यूटरिंग का काम होता है, वहां से आप क्या है आवेदन करा लीजिएगा। ओके, क्योंकि आपसे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है। ओके, इसलिए आप क्या है वहां से कराइएगा तो आपको रहेगा सही। ओके ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ओके दोस्तों, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी क्या है वो फेल हो गए हैं, जिन्हें हताश हैं, ओके, या नंबर कम आए हैं उन्हें लग रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, साथ ही क्या है आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।